बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं आ जाई हूँ आपके पास एक डिफरेंट सी और सिंपल सी बर्गर्स की रेसिपी लेके। हमने इफ्तारी में बनाए बर्गर्स और इसकी रेसिपी मैं आपको बताती हूँ अभी। सबसे पहले हमने यहाँ पे बर्गर पैटीज फ्राई की और उसके साथ हम साथ में हमने बन्स रखे हुए थे, इनको थोड़ा सा गोल्डन कर लिया। बस बच्चों के लिए चेंज के लिए मैंने कहा करते हैं, एक दिन हमने बनाए बर्गर और ये मस्टर्ड हनी मायो सॉस थी और ये मैंने थोड़ी सी जो है ना मायनीज में कैबेज एंड क्यूकम्बर डाल के ना बनाई थी एक सॉस। और इसके बंस को हमने थोड़ा सा गोल्डन कर लिया और ये बर्गर पैटीज को फ्राई हो गई हैं ये। और उसके बाद जो है हमने इसके ऊपर ये मस्टर्ड हनी मायो और ये जो दूसरी सॉस है मायनीज विद कैबेज एंड क्यूकम्बर भी हमने बनाई थी और ये लगाई। और ये मस्टर्ड सॉस के बारे में, ये पमीज़ कुजीन की जो स्पेशल रेसिपी है उनको मैंने फॉलो किया, बहुत मज़े की बनी थी। और जी थैंक यू सो मच पमी सिस्टर। और जी यहाँ पर हमने वही सॉस जो है मस्टर्ड हनी सॉस हमने लगाई है इधर बंस के ऊपर, एक लेयर ये लगाई और जो दूसरी लेयर है वो हमने लगाई स्प्रेड कैबेज क्यूकम्बर मायो सॉस की। तो इस तरह इनको करके स्प्रेड कर दिया था मैंने और अच्छी तरह से लगाया था काफ़ी सारा, जिसकी हर एक डिफरेंट चॉइस के मुताबिक लगा दिए थे, बच्चों की मर्ज़ी से और बड़ों की मर्ज़ी से और जिनको जैसा अच्छा लगे। इस तरह हमने फिल किया और फिर इसके ऊपर जो है मैंने बर्गर पैटीज रख दी थी। और इसके बाद जो है ऊपर मैंने थोड़ा सा केचप भी, अगर आपको पसंद है थोड़ा थोड़ा केचप डाल दिया था। और अगर ये चीज़ आपने सॉस दोबारा रिपीट करनी है तो आप इसके ऊपर भी कर सकते हैं। तो ये यकीनन ये सबको बहुत अच्छे लगेंगे, बच्चों बड़ों दोनों के पसंदीदा। हमने कहा चेंज होना चाहिए इफ्तारी में, तो आज हमने बनाए बर्गर और ये चेंज उम्मीद है आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगा होगा। ज़रूर कॉमेंट में बताइएगा कि ये कैसा लगा और आपको हमारी इफ्तारी कैसी लगी और ये आइडिया कैसा लगा कि हमने आज जो है ना फास्ट फूड इफ्तारी की। हमने बाकी सारी चीज़ें बनाई थी, दही भले, पकोड़े, फ्रूट चाट और काफ़ी कुछ था और सालन और खाना भी था, सब कुछ था, पर कुछ चेंज करने के लिए हमने आज बर्गर्स बनाए और बहुत अच्छे लगे सबको। तो आप लोग भी ये ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप सबको भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो जी अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।